अभी जो हम हैं वो कमलागढ़ जो एक कमला फोर्ट है उसके बिल्कुल नज़दीक है, और इस सामने फोर्ट है ऊपर, और हम चले थे सरका घाट से, लगभग हमें 1.5 घंटा हो गया चलते हुए, और सरका घाट से धर्मपुर 20 किलोमीटर है, और वहाँ से ये लगभग 15-18 या 20 किलोमीटर के आसपास ये कमलागढ़ जो ऐतिहासिक किला है जिला मंडी में वो है। कमला दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो ये मंदिर कमला पहाड़ी पर और कमलाइया बाबा का मंदिर, और दूसरा ऐतिहासिक किला कमलागढ़ इसी पहाड़ी पर। ये किला उपमंडल सरका घाट जिला मंडी में है और मंडी से 101 किलोमीटर की दूरी पर है। अप्रोक्सीमेट ऑल्टीट्यूड जो यहां जानकारी दी गई है उसके हिसाब से 4500 फुट बताया गया है, और मंडी के जो राजा थे हरिसेन, जिनका शासन 1605 ईस्वी से शुरू हुआ, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाना शुरू किया हरिसेन ने, और उनके बेटे सूर्यसेन के काल में 1625 ईस्वी में वो काम पूरा हो गया। जो राजा ईश्वरी सेन थे मंडी के राजा, उनके शासनकाल में इस किले पर कमला फोर्ट पर यानी कि 1726 से 1788 ईस्वी तक राजा संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे, उन्होंने यहां पर जो कमला फोर्ट में सेनापति थे मुरली और मणकू, उनके साथ मिलकर इस किले को हथियाने का षड्यंत्र किया, जो पता लग गया विफल हो गया, और बाद में इन दोनों को मार दिया गया। बलवीर सेन जो जालिम सेन के बेटे थे, उस वक्त क्या हुआ कि महाराजा खड़क सेन के पुत्र जो थे राजकुमार नौनिहाल, उन्होंने कमलागढ़ पर आक्रमण किया था उस वक्त, और वो इसे जीत नहीं पाए थे, और 1840 ईस्वी में राजा नौनिहाल सिंह ने सिख सेना को लेकर जनरल वेंचुरा के नेतृत्व में यहां भेजा, और जनरल वेंचुरा ने क्या किया कि मंडी के राजा बलवीर सेन को मंडी से 7 मील की दूरी पर बंदी बना लिया, और उन्हें अमृतसर के गोविंदगढ़ में बंद कर दिया गया बंदी बनाकर, लेकिन कमलागढ़ वो फिर भी ना जीत पाए, और 5 नवंबर 1840 को नौनिहाल सिंह की मृत्यु हो गई, और जो जनरल वेंचुरा थे वो अपनी सेना लेकर चले गए कुल्लू, और अंत में बड़ी मुश्किल से सिखों ने इस किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1841 में क्या हुआ कि शेर सिंह लाहौर के राजा बने, और उन्होंने मंडी के राजा बलबीर सेन को छोड़ दिया, यानी वो जो बंदी बनाया गया था बलबीर सेन को उन्हें छोड़ दिया, और 1845 में बलबीर सेन ने सिखों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार से सहायता मांगी, और 1846 ईस्वी में अंग्रेजों की मदद से इस किले को मुक्त करा दिया गया। उसके बाद क्योंकि सिखों ने अपना जारी रखा अभियान, कुछ समय बाद सरदार मंगल सिंह ने कमला पर आक्रमण कर दिया, और उन्होंने क्या किया कि कुछ गांव जला दिए वहां पर, लेकिन
9/3/1846 यानी 9 मार्च 1846 में एक संधि हुई, उसके अनुसार ब्रिटिश सरकार के अधीन यानी जो मंडी रियासत थी उसमें ब्रिटिश सरकार के अधीन इस किले को, कमला फोर्ट को फिर से शामिल कर दिया गया। ये जो इतिहास है वहां पे एक पट्टिका लगी है कमलागढ़ में, जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग की तरफ से उस पर ये कुछ दर्ज है जानकारी, कि कमला गांव है और ऊपर कमलाइया बाबा का मंदिर। एक तो श्रद्धा बस जाते हैं लोग यहां देखने के लिए, क्योंकि कमलाइया बाबा में बहुत आस्था है लोगों की, और दूसरे जो इतिहास में इस किले का महत्व रहा है, क्यों रहा है, उसे देखने जाते हैं, क्यों एक काफी समय तक एक अविजित किला रहा। ये जिसको वैल्यूएबल्स जो होते हैं राज दरबार के, मतलब एक राजकोष जो था वो यहां रहता था सुरक्षित, इसलिए भी ये मशहूर है। देखिए बाबा कमलाइया के दर्शनों हेतु लोग जा रहे हैं, और ये जो पहाड़ी है ये कुदरती तौर पर ऐसा लगता है जैसे कंक्रीट की बनी हुई पहाड़ी है, और एक ही रास्ता, यही रास्ता किले को जाने के लिए था। अब तो रास्ता बना दिया गया है, उस वक्त ये दुर्गम रास्ता रहा होगा, और बहुत एक मजबूत किला रहा होगा। जगह जगह बैरियर्स हैं, जगह जगह गेट्स, में हर गेट की आपको जानकारी दूंगा जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा उस हिसाब से। ये पहला गेट, इसको भेद पाना मुश्किल इसलिए था क्योंकि जाने का रास्ता एक ही था फोर्ट के लिए। ये नीचे देखिए गाड़ियां खड़ी हैं, अब तो यहां बस आती है, और रास्ता लगभग पक्का है। अगर आप सक्का घाट से आए तो धर्मपुर आए, और वहां से आप मेन रोड से आए, लिंक रोड ना पकड़ें, ये ध्यान रखें, कहीं से भी कोई लिंक रोड नहीं पकड़ना है। सक्का घाट या जोगिंदर नगर से सीधे धर्मपुर, और धर्मपुर से सीधे कमलागढ़। थोड़ा सा रास्ता कच्चा है, 3-4-5 किलोमीटर का आने वाले समय में वो भी पक्का हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। ये देखिए किस तरह ये जा रहे हैं, श्रद्धालु हैं कमलाइया बाबा के मंदिर में, जिन्हें सिद्ध की मान्यता प्राप्त है, यानी बाबा बालकनाथ, बाबा बालकरूपी और कमलाइया बाबा, कहते हैं कि ये सिद्ध थे। गेट है कमलागढ़ का जो फर्स्ट गेट, और ये दीवारें तो ऑलमोस्ट डैमेज हो रही हैं डे बाय डे। ये आप, हम देख सकते हैं इसको, ये देखो दीवार पार तक गई है, लेकिन क्या लगता है कि जैसे ये कुछ रास्ता बना है, कुछ पत्थर इसमें लगा दिया होगा उखाड़ के, और कुछ पानी के पाइप गए हैं, ये काम हुआ होगा, तो ये रास्ता बना है तो इन्हीं पत्थरों से बना लगता है। जो एक हमारी पुरातात्विक धरोहर है उसको एक किस्म से अज्ञानतावश ये नष्ट ही हो रही है, क्योंकि हम इसके महत्व से परिचित नहीं हैं। अपने आने वाली पीढ़ियां अगर देखना चाहेंगी कि किस तरह का किला था तो वो देख नहीं पाएंगे। ये दूसरा गेट है इसका।
और इसके अपोजिट ये देखिए इतना डीप गॉर्ज है, एक बहुत डीप नाला जहां से कोई आ भी नहीं सकता। तो ये एक तरह से ये अवेद्या किला था मंडी के राजा का। ये दूसरा गेट है कमला फोर्ट का, सेकंड गेट। ये देखिए अगर एक गेट क्रॉस कर दिया जो मेन गेट था, जो मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, ये नीचे नाला डीप गॉर्ज है। अब तो ये रास्ता बन गया इस ढंग से, फिर भी रास्ता कठिन है। उस वक्त ये रास्ता तय करना मुश्किल होगा। ये दीवार इधर और उस सामने जो पहला गेट, उसी को पार करना मुश्किल होता था। और फिर ये आ गया दूसरा गेट है, ये दूसरा गेट मतलब दूसरी पहरेबंदी यहां होती थी। सेकंड गेट का इनर व्यू ये है, ये पत्थर उसी काल के हैं, उसी समय के। ये देखिए और इस साइड जो दीवार है वो दीवार भी पत्थर से कम नहीं है। ये है दूसरा गेट और ये ऊपर तीसरा गेट। ये थर्ड गेट कमला फोर्ट का थर्ड गेट, ये देखिए अब तो टूट चुका है। अब इसके साथ एक शेल्टर बना दिया गया है, तो जाहिर है जो पत्थर निकाल निकाल के इस फॉर्म में इनको किनारे रख दिया गया है तोड़ ताड़ के। ये हालत है, ये बिल्कुल हट के जहां मैं खड़ा हूं थर्ड गेट के सामने बिल्कुल बीच में गॉर्ज है, बिल्कुल बहुत डीप गॉर्ज नाला, यानी बहुत ही नीचे जहाँ देख भी नहीं सकते, कैमरे से भी नहीं देख सकते, वो एक गॉर्ज। और ऊपर आप देखो ये भी किले का एक भाग रहा होगा, चौकसी के उद्देश्य से ये बनाया गया होगा उस तरफ। ये बहुत बड़ी चक्की, ये बहुत बड़ी चक्की है यहाँ पर। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ये चक्की बहुत बड़ी है, ये दिखाने के लिए रखी है। ये किस पर्पज से यहाँ पे है, कई बार राजा महाराजा सजा के तौर पर भी चक्की पिसवाने की कई बार सजा देते थे, तो संभव है ये उस तरह की हो या इसका पर्पस दूसरा भी हो सकता है, एक मेरा अंदाजा है। क्योंकि मनोज जरा एक मिनट इस पे वो लगाओ, जरा पांव रखो इधर से उधर, पता लग जाएगा कितनी है ये। ऐसे एक पांव ऐसे रखो इस चक्की पे और दूसरा खड़े हो जाओ इसके ऊपर। ये देखिए ये खड़े हुए हैं, टांगे फैलाओ, एक एज से दूसरे एज पे रखो टांग। ये दूसरा, ये इतना चौड़ा ये लगभग ये चक्की है। तीन गेट हमने पार कर लिए और ये चौथा गेट है साथ ही इसके। ये देखिए ये चौथा गेट है जो टूट चुका है, ये चौथे गेट जहां से मैं अभी गुजर रहा हूं। ये कमला फोर्ट का चौथा गेट, ये इसकी दीवार इधर और ये इधर, ये तीसरे के बिल्कुल सामने चौथा जाएंगे ऊपर। यहाँ पे बाबा कमलाया उनका मंदिर है और उसमें आज यात्रा है, यात्रा लोग लेके लोग आते हैं, कोई लेके आया है।
सांस फूल जाती है ऊपर तक चढ़ने में। यूं ही नहीं, जो ब्लॉग है वो तैयार होता। अब पसीना मेरे फेस पे आप देख सकते हैं, मेरे ये आप मेरे चश्मे पे देख सकते हैं। कमलागढ़ का जो पांचवा गेट है, और बारीकी से हम देखें तो ये देखिए, इसमें ये जो गैप हैं, होल छोड़े हुए हैं ये देखने के लिए चारों तरफ, और ये देखो खंडहरों में तब्दील। अब मैं एग्जैक्टली जो पांचवा गेट है उसके ऑलमोस्ट द्वार पर हूँ, और ये इसकी दीवार, एकदम बड़ी दीवार, ऊंची दीवार। एंड दिस इज द फिफ्थ गेट एज पर माय काउंटिंग, एंड जस्ट सी इट फ्रॉम हियर। यू जस्ट लुक द एरिया, द होल व्यू ऑफ द एरिया इज विजिबल फ्रॉम हियर। एंड ऑन द आउटर साइड ऑफ दिस फिफ्थ गेट देर इज ए स्ट्रॉन्ग वॉल, मेसन वॉल मेड ऑफ स्टोन, वी कैन सी इट फ्रॉम हियर। ये देखें ये पांचवा गेट, और पांचवे गेट के ठीक सामने ही छठा गेट, ये दीवार इसकी, और पत्थर टूट टूट के गिर गिर के या गिरा गिरा के ऐसे ढेर लगा दिए गए हैं, ये हम देख रहे हैं। खंडरों में तब्दील, ओनली द रुइंस एंड नथिंग एल्स, द वॉल्स अनक्योर्ड वॉल्स, nobody seems to be interested in the in maintaining the these evidences of history. This fort is of immense importance, historical importance of forts in Mandi district, and we can witness it that how carelessly it is dealt. Just see the stones spreading here and there. ये सामने जो पांचवा गेट है इसके बिल्कुल सामने यहां भी कुछ खंडहर नजर आ रहे हैं, और ये देखिए जूम किया मैंने, ये खंडहर हैं, ये भी इसी गढ़ का हिस्सा मालूम होते हैं। लिफ्ट नजर आ रही है, चलने भी है ऊपर तो ये सामान के लिए लगाई होनी है ना, ये सामान के लिए है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी पे आ रहा है रेत बजरी सीमेंट सब इस लिफ्ट से। मंदिर के जो निर्माण है ऊपर, कमलाइया बाबा के मंदिर का निर्माण का काम लगा है, उसके लिए इस लिफ्ट में सामान आता है। देखिए जा रहा है ऊपर, ये टूबे, ये खंडर, और मेरी गिनती के हिसाब से ये सातवां गेट जरूर रहा होगा, जब है ही नहीं है कुछ यहाँ पे, ये खंडर ही है। दिस माइट बी द सेवंथ। अगर मैं ये जो गेट है, अब आज तो यहाँ ना दीवार है ना कुछ है, लेकिन लग रहा है कि एक गेट रहा होगा जरूर, और सेवंथ के बाद ये एट्थ गेट रहा होगा, क्योंकि अब तो ये देखिए रास्ते बना दिए, रास्तों पे नाम लिख दिए, और ये गेट है, ये एट्थ रहा होगा,
और यहाँ लिखा है रानी की गुफा। बाहरी राजाओं के आक्रमण से रानी के बचाव हेतु इस गुफा का निर्माण 1726 ईस्वी में किया था। 1726 ईस्वी में इस गुफा का निर्माण इसलिए किया था कि जो क्वीन है स्टेट की, मंडी स्टेट की, उसकी हिफाजत करनी पड़े और उसे कहीं सेफ जगह रखना पड़े, तो इस किले में इस जगह। अब इसकी जो हालत है वो मैं आपको बताता हूं। अंदर से ये कुछ नहीं है, बकरियों की मेघने हैं, ये मोटा सा स्तंभ है और एक गुफा है पत्थरों की, पत्थर है ये ऊपर से भी, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ नहीं है। इसमें बकरियां बंधती हैं और एक लोहे का इसमें गेट लगा दिया गया है। इसमें ये देखिए काफी चौड़ी है ये एलिस भी है। अगर मैं यहां से देखूं तो ये कोई 13 फुट के करीब, 13x12 या मतलब ऑलमोस्ट इस ढंग से होगी, या 14x12। तो आप अंदाजा लगाइए कि इतना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल और इसमें भेड़ बकरी जो है वो बंधती है, ये बड़े शर्म की बात है। और अभी मैं ऊपर तो पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन रास्ते में हूँ और यहाँ पे ये व्यू है, वेजिटेशन है, पेड़ पौधे और ये टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए हैं इधर इस साइड। अभी और चढ़ाई है, ये जो टावर है ना, ये टावर बिल्कुल हाइट पे है, ऑलमोस्ट नज़दीक है, अब कुछ चढ़ना पड़ेगा लेकिन। और इस साइड को यानी जहाँ से हम जा रहे हैं राइट साइड को टेंपल है, दिख नहीं रहा यहाँ से, हर पत्थर पे नाम, एक पत्थर लगा दो और उस पर अपना नाम लिखवा दो। ये हमारा संस्कृति का एक हिस्सा बन चुका है, थोड़ा सा काम करवा दो उस पर अपना नाम लिखवा दो। लिखा है कि कमलाइया की या तीन पौड़ियां श्री फलां 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 ने बना, ये देखिए ये पौड़ी फलां ने बनाई, ये पौड़ी फलां ने बनाई, ये पौड़ी फलां ने बनाई, ये पौड़ियां किसने बनाई। और ऑलमोस्ट अभी ऊपर सीढ़ियां खत्म, दिस इज द टॉप। यहाँ पे बना है ये सामने शेल्टर सा, कवर्ड एक बैठने के लिए, और ये सीढ़ियां मंदिर के लिए। जो इसका फोर्ट का पार्ट है वो तो नीचे खत्म हो गया, काम चल रहा है, काम चल रहा है। जब मैं आई थिंक 2016 या 2017 के बिगिनिंग में आया था तब भी यहाँ काम चल रहा था। अच्छा कितने दूर से आता है ये? सर हवाई रेंज में है, 900 मीटर। सीमेंट का बैग तक ले आता है ये? देखिए दो दो आ रहे हैं। अच्छा अच्छा दो दो आ रहे हैं, क्या बात है। ये सरकारी है कंस्ट्रक्शन का? जो भी सर, जो भी आए। अच्छा अच्छा वो इसी के थ्रू आया है? इसी के थ्रू आ रहे हैं। ये सरकार की तरफ से है, ठेकेदार का? सर हमने लगाई हुई है, साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन की है। हमने इसको डोनेट किया है। डोनेशन है, क्या बात है। आपका शुभ नाम क्या है? रामलाल ठाकुर। रामलाल ठाकुर यहीं से हैं ठाकुर जी? जी सर, धर्मपुर। धर्मपुर से। ये बैग आ गया,
दो बैग लोडेड हैं इसके। ये रोक दिया इन्होंने। बजरंग बली टेम्पल इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ये ट्रॉली से सामान आ रहा है, देखिए वो चला गया ट्रॉली। मंदिर के पास है हम। ये सामने सिंगोल का एरिया है, ये जो नदी से दिखती है दिखे, और उसके सामने कांगड़ा। ये लो इसका फोटो। तेरह सौ पांच मीटर सात मीटर कुछ ऐसे अल्टीट्यूड यहाँ का। जो उस पे आ रहा है लिखा तो 4500 फुट के आस पास लिखी है हाइट है।